शिव के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने कभी अपना शुक्राणु नहीं गिराया। तो हमारे पास चमड़ी है, हमारे पास चमड़ी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं। इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन सीमन के क्षमता का स्तर जबरदस्त है। केवल सीमन के साथ ही नहीं, अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में रूपांतरित कर सकते हैं। वीर यानी बहादुर या साहसी, वीर शब्द असल में वीर्य शब्द से बना है। वीर्य का अर्थ है शुक्राणु, यानी वो बीज जिससे मनुष्य का जन्म होता है। ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, यानी शिव के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने कभी अपना शुक्राणु नहीं गिराया। तो इसका महत्व बस यही है कि शरीर की बुनियादी जीवन ऊर्जा को शारीरिक रूप से बिखेरने और बच्चे पैदा करने के बजाय उन्होंने उसी ऊर्जा का इस्तेमाल चेतना के शिखर पर पहुंचने के लिए किया। उनकी ऊर्जा सिर के ऊपर से बिखरती है। किसी भी योगी को तब तक योगी नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे अपने सिर के ऊपर से ऊर्जा नहीं छलकाते। जब कोई इंसान बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, तब स्वाभाविक रूप से उसका शरीर से लगाव बहुत कम हो जाता है। जब उसका शरीर से लगाव बिल्कुल कम हो जाता है, तब उसमें डर की भावना मौजूद नहीं होती है, और जब डर नहीं होता तो वो स्वाभाविक रूप से बहादुर होता है। वीरता इसी का परिणाम है। देखिए, आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक मौजूदगी का आधार सीमन या वीर्य है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामग्रियों का 50% ये है ना? हमारे पास चमड़ी है, हमारे पास चमड़ी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं। आप जानते हैं, दिल, गुर्दा, लिवर वगैरह वगैरह। अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन सीमन के क्षमता का स्तर जबरदस्त है। ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है। आज आप त्वचा की एक ऊपरी कोशिका को लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं, और शायद हम आपका क्लोन भी बना दें। तो क्षमता यहाँ भी है, लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीर कह रहे हैं। सो इन द योगिक कल्चर दिस इज कॉल्ड एज वीर्य। तो योग संस्कृति में हम इसे वीर्य कहते हैं। वीर्य को हम वज्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से। लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है? बिल्कुल। ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है, केवल सीमन के साथ ही नहीं, अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में रूपांतरित कर सकते हैं। या आप इसे साधारण बना सकते हैं, या आप इसे गंभीर समस्या में बदल सकते हैं, जीवन के हर पहलू को। ऐसा ही जीवन के इस पहलू के साथ भी होता है। यही ऊर्जा, देखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष चीज जैसे त्वचा के ऊपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर इस पर ऊर्जा खर्च करेगा। पर अगर आप सीमेन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर बहुत अलग स्तर की ऊर्जा खर्च करेगा। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो जब आप इसमें इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें एक क्षमता है। लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबिलियत है? क्या आप वो खोज करना जानते हैं? क्या ऐसा करने के लिए आपके पास साधना और मार्गदर्शन है?
ये एक प्रश्न चिन्ह है। उदाहरण के लिए कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, वो सालों तैयारी करता है, शायद पूरी जिंदगी तैयारी करता है। And then he is in the harshest of climate. फिर वो बहुत कठोर मौसम में जाता है, जीवन का हर सुख छोड़ते हुए, सुविधाएं, परिवार, समाज, हर उस चीज का त्याग करता है जिसे आम लोग आमतौर पर पाना चाहते हैं, सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पर क्या आपको वाकई लगता है कि ये त्याग है, या वो अपने जीवन में ऐसी संभावना को सच कर रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है ब्रह्मन, मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग। वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने स्वाभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है जो दूसरों के पास है, क्योंकि आप कुछ रचना चाहते हैं, है ना? क्या यह हर उस आदमी या औरत के लिए सच नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक किया है? यही बात ब्रह्मचर्य के साथ है, वे परम सत्य के मार्ग पर हैं। इसके कारण उनका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जिन्हें लोग कीमती समझते हैं।